लेट अस सी हाउ हम ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स को बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हैं. जस्ट ड्रॉ विद मी. फर्स्ट ऑफ ऑल दो लंग्स ड्रॉ करने हैं. दिस इज़ द राइट लंग, दिस इज़ द लेफ्ट लंग. सॉरी, लेफ्ट लंग में हल्का सा कर्व भी आता है लाइक दिस. हमें पता है कि लंग्स में दो फिशर्स होते हैं, एक ऑब्लीक फिशर इसका भी, एक ऑब्लीक फिशर लेफ्ट लंग का भी. ये राइट है, ये लेफ्ट है. उसके बाद राइट लंग में एक ट्रांसवर्स फिशर भी होता है, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं. लेफ्ट में नहीं होता लेकिन हम इस वक्त वो भी ड्रॉ करेंगे. ये भी हो गया. उसके बाद अगली चीज़ क्या करनी है, जो ऊपर वाला सेगमेंट है. अब मैं पहले राइट का कंप्लीट करती हूँ. ड्रॉ अ वाई शेप स्ट्रक्चर इन द अपर सेगमेंट. ये जो मिडल सेगमेंट है इसमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. और जो ये लोअर सेगमेंट है, पाए बनाया हुआ है, पाए हम मैथ्स में पढ़ते थे, दिस इज़ कॉल्ड पाए, जिसकी वैल्यू 22/7 थी. ये वाला पाए बना देना यहाँ पे ऐसे. ठीक हो गया. अब हम बात करते हैं इस वाले लंग की, लेफ्ट लंग की. पहले लेफ्ट लंग में क्या करना है हमने, अगर एक नॉर्मल वाई शेप यूँ होती है, अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा कर दूँ तो ऐसे करके बन जाता है, तो एक इन्वर्टेड वाई हम इधर डालेंगे, सीधी लाइन हम दरमियान में डालेंगे सेम जैसे इधर डाली थी, और सेम जैसे हमने यहाँ डाला था वैसे ही एक पाए इधर डाल देंगे. लेफ्ट लंग के डर्मेटोम्स भी बन गए. नंबरिंग देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता नहीं है, 7, 8, 9, 10. सेम उसी तरह लेफ्ट लंग में. इट्स सो ईजी टू ड्रॉ द डर्मेटोम्स लाइक दिस. अब अगर मैं बताऊँ कि वो जो दूसरा व्यू है हमारा, मीडियल व्यू में कैसे ड्रॉ करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील ड्रॉ द लंग्स. लेफ्ट लंग, हेयर इज द राइट लंग. सी, अब लंग्स ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले तो बीच में जो इसकी लंग रूट है वो ड्रॉ कर लो, कि उसका कोई काम है नहीं बीच में. अब देखते हैं कि हम पहले राइट लंग को कैसे करेंगे ड्रॉ. इतना सिंपल तरीका है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ट्राइंगल लाइक दिस. ट्राइंगल के नीचे तीन छोटी छोटी लाइनें, 1, 2, 3. ठीक है, इसमें लिख लो फटाफट 7, 8, 9. ये होगी हमारी एक बात. अब ये वाली मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, मेरे हाथों के हिसाब से जहाँ से मैं बैठी हुई हूँ. राइट साइड इज़ ऑलवेज अ गुड साइड एंड लेफ्ट साइड इज़ बैड साइड. राइट साइड पे हम तीन लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3. लेफ्ट साइड क्योंकि बुरी साइड है तो वहाँ हम सिर्फ दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 एंड 2. अब इनको नंबरिंग दे देते हैं. 7, 8, 9 हम ऑलरेडी दे चुके हैं. 1 हमेशा सेंटर में होगा. उसके बाद 4 इस वाले में नहीं है, याद रखना है 4 स्किप हुआ है, जिस तरह 6 उसमें नहीं था जब हमारा इंटीरियर व्यू था. 1 इधर है. मैंने कहा राइट साइड गुड साइड है और इवन नंबर्स जो होते हैं यानी 2, 4, 6 वो गुड नंबर्स होते हैं. देन जो बाकी इवन नंबर्स रह गए वो हम इधर फिल करते हैं. 1 के बाद 2, 4 तो है नहीं, देन 6 एंड 8 तो हो चुका है, देन 10. उसके बाद जो ऑड नंबर्स रह गए वो इधर फिल करते हैं. 1, 2 के बाद 3 आएगा, 4 तो इवन है, 5 आएगा और बाकी सारे कंप्लीट हो चुके. तो ये हमारा राइट लंग ड्रॉ हो गया, सो सिंपल. लेफ्ट लंग के लिए क्या करना है, जिस तरह मैंने तरीका बताया, इस वीडियो को एक दफ़ा देखना फिर मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, देन यू विल गेट इट वेरी इजीली. लेफ्ट लंग बहुत आसान है. एक छोटू सा ट्राइंगल इसमें यहाँ ड्रॉ करेंगे. डिफरेंस ये कि राइट लंग में हमने ट्राइंगल लंग रूट के साथ जोड़ के ड्रॉ किया था, इसमें हमने ट्राइंगल नीचे ड्रॉ करना है. ये कर दिया. उसके बाद मैंने पहले भी कहा था कि राइट लाइट साइड इज़ अ गुड साइड एंड लेफ्ट इज़ नॉट गुड साइड. तो हम राइट साइड पे यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ हमने तीन लाइंस ड्रॉ की थी इन केस ऑफ राइट लंग. लेफ्ट लंग के केस में हम 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 इसके साथ जोड़ के, 2, 3, 4, 5. राइट साइड पे सेम उसी तरह से, पहले हमने 2 लाइंस ड्रॉ की थी, अब हम 3 करेंगे. एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6. मज़ा है, यू कैन एस्क इजिली.